जय हिंद, मैं इम्तियाज अंसारी। गढ़वा पुलिस की हो रही है चारों तरफ प्रशंसा। लूटकांड का गढ़वा पुलिस ने किया उद्भेदन, 1.25 करोड़ के गहने हुए बरामद, एक लुटेरा गिरफ्तार। गढ़वा शहर के चर्चित सोना दुकान रूप अलंकार ज्वेलर्स लूट मामले का पुलिस ने उद्भेदन कर लिया है। उक्त मामले में पुलिस ने अंतर्राज्यीय गिरोह के एक सदस्य को नगमा मोहल्ला स्थित मथुरा बांध शिव मंदिर के पास से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्त सोनपुरवा मोहल्ला निवासी प्रदीप डोम के पास से लूटा गया 3 किलो 500 ग्राम सोना, 2 देसी कट्टा, कृतम सोने जैसा बना आभूषण, सोने एवं हीरे का आभूषण, विभिन्न ग्रह रत्न, 2 देसी पिस्तौल, 16 जिंदा गोली और 1 मोबाइल बरामद किया है। उक्त जानकारी गढ़वा पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार पांडे ने रविवार को गढ़वा थाना परिसर में प्रेस वार्ता आयोजित कर दी। एसपी ने बताया कि 13 फरवरी की देर शाम शहर के चर्चित रूप अलंकार ज्वेलर्स में लूट की घटना घटित हुई थी। उसमें 2 लुटेरा ग्राहक बनकर उक्त दुकान में प्रवेश किए थे। जेवर खरीदने के बाद उसके साथ सहयोगी में आया तीसरा व्यक्ति भी जेवर दुकान में घुसकर सभी जेवर को लूटते हुए फायरिंग कर फरार हो गया था। उन्होंने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एवं स्थानीय लोगों की मदद से प्रदीप डोम को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। प्रदीप की निशानदेही पर 2 अलग अलग जगह मथुरा बांध एवं रेलवे लाइन के किनारे अरहर के खेत में लूटा गया सामान एवं हथियार बरामद किया है। उन्होंने बताया कि उक्त घटना में बुकी सोनी अजीत कुमार उर्फ छोटू साव भागने में सफल रहा। जल्द ही पुलिस उन्हें भी गिरफ्तार कर लेगी। उन्होंने बताया कि उक्त तीनों ने ही मिलकर लूट की योजना बनाई थी। उन्हें पता था कि शहर के रूप अलंकार ज्वेलर्स में सबसे ज्यादा सोना बिकता है, इसलिए उक्त दुकान को इन लुटेरों ने टारगेट किया था और टारगेट कर घटना को अंजाम देकर उक्त लुटेरे फरार हो गए थे। उन्होंने बताया कि पुलिस आईटी सेल के मदद से लगातार कार्रवाई कर रही थी, लेकिन उक्त लुटेरे हमेशा अपने स्थान को बदल रहे थे। यही वजह है कि उन्हें पकड़ने में थोड़ी कठिनाई हुई। उन्होंने बताया कि जल्द ही फरार दोनों अभियुक्त को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस घटना में गढ़वा पुलिस, यूपी पुलिस, छत्तीसगढ़ सहित पलामू में छापेमारी कर रही थी। एसपी ने बताया कि तीनों लुटेरों का आपराधिक इतिहास रहा है। गिरफ्तार प्रदीप डोम पर छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक शराब दुकान से 14,000 रुपए की लूट कर मामले में जेल गया था। वह पिछले कुछ दिन पहले से ही जेल से बाहर आया था और इसके बाद इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। उन्होंने बताया कि रूप अलंकार के प्रोप्राइटर द्वारा 3 किलो 800 ग्राम सोने की लूट का प्राथमिकी दर्ज कराया गया था, जिसमें 3 किलो 500 ग्राम सोने का पुलिस ने बरामद कर लिया है। बचे 300 ग्राम सोना लेकर फरार उक्त अभियुक्त बाजार में बेचने के लिए गए हैं। बहुत जल्द पुलिस उन्हें भी गिरफ्तार कर लूट का सोना भी बरामद कर लेगी। एसपी ने किया पुलिस पदाधिकारियों को सम्मानित। रूप अलंकार लूट मामले का उद्भेदन करने वाले पुलिस पदाधिकारियों को एसपी ने सम्मानित किया। सम्मानित होने वालों में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नीरज कुमार, पुलिस उपाधीक्षक यशोधरा, प्रशिशु पुलिस उपाधीक्षक चिरंजीव मंडल, इंस्पेक्टर कृष्णा कुमार साहू, पुलिस निरीक्षक ब्रिज कुमार, पुलिस अवर निरीक्षक प्रवीण कुमार सिंह, सूर्य प्रकाश दुबे, सुमंत कुमार राय, हित नारायण महतो, अनुरंजन कुमार, जनार्दन रावत, रवि कुमार केसरी, अनिल नायक, अभिमन्यु सिंह, सुनील कुमार सिंह, हवलदार जितेंद्र कुमार रजक, आरक्षी अभय कुमार सिंह, पंचम राम, राकेश कुमार, दीपक कुमार, विपिन प्रधान, राजेश पाल, श्याम बिहारी यादव, राम नारायण विश्वकर्मा, वीरेंद्र प्रसाद, कैलाश राम, दर्शन कुमार पांडे सहित कई अन्य लोगों का नाम शामिल है। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डेली न्यूज, सबसे पहले सबसे तेज। नमस्कार।